अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने, आप नोट कर लें और जब आप स्प्रिंग रोल ट्राई करें आपने मुझे फीडबैक लाजमी देना। आप फीडबैक इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पे दे सकते हैं। तो ये बहुत झटपट रेसिपी है और यहाँ पे हम ले रहे हैं मीडियम साइज़ का बंद गोभी का फूल कटा हुआ, बारीक 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 क्यूब शेप में शिमला मिर्चें कटी हुई 2 अदद और 2 अदद गाजरें, और 350 ग्राम्स हम चिकन लेंगे यानी हाफ चेस्ट पीस। यहाँ पे हम आपको गरम मसाला दिखा रहे हैं जिसमें 1 दालचीनी, 4 लौंग और 4 साबुत काली मिर्च जो हम चिकन में डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टीस्पून सॉल्ट एंड हाफ टीस्पून ब्लैक ही डाल के हम चिकन बॉयल करेंगे। दूसरी साइड पे हमने स्पैगेटी बॉयल होने रख दी है, इतनी स्पैगेटी ली थी और इन्हें हमने इस तरह से बॉयल होने रख दी है। दूसरी साइड में हम एक पैन में ऑयल लेंगे, उसमें ये सारी वेजेस डाल देंगे और जैसे वेजेस थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे, इसलिए हम इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम आग में। आग बहुत तेज भी होनी चाहिए और बहुत हल्की भी है। आप देख रहे हैं जिस तरह से इनका थोड़ा सा कलर और टेक्सचर चेंज होना शुरू होगा उसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, और फिर ब्लैक पेपर के बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तरा मिर्च। तरा मिर्च डाल रहे हैं हम और इसको थोड़ा सा हम सॉल्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि वेजिट्स का कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गया। जैसे इनका कलर चेंज होगा हम इसकी आग स्लो नहीं करनी, हम थोड़ी सी आग बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हमारी जो वेजिस है वो अपना पानी ना छोड़े। ठीक है, इस तरह से हम इसको मिक्सअप कर रहे हैं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं टेक्सचर वेजिस का चेंज हो चुका है पहले से। हम इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे और दूसरी साइड पे हमने जिस तरह स्पैगेटी बॉयल होने रखी है उसी तरह से हमने एक साइड पे चिकन बॉयल होने रखा है। आप उस चिकन को हड्डी वाला लेकर भी श्रेड कर सकते हैं, हड्डी से उतार के। और मैंने इस तरह से चिकन बॉयल कर लिया था, अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ वेजेस में और हम इसको वेजेस के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ठीक है, 5 to 7 मिनट हम इसको फ्राई करें और वेजेस का जो टेक्सचर है मज़ीद चेंज होगा। जैसे ही हम इसको देखेंगे कि ये थोड़ा हो रहा है एक साइड से टेक्सचर चेंज हो रहा है, हम इसको पलटेंगे और आग तेज़ करते जा रहे हैं हमने, जैसे जैसे होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आग हम हल्की करेंगे तो वेजेस का पानी बाहर आ जाएगा और वो सारा गीला गीला सा टेक्सचर देगा। और दूसरी साइड पे हमारी स्पैगेटीज भी बस बॉयल होने वाली है 1 से 2 मिनट में, और ये आ गई हमारी स्पैगेटीज बॉयल हो के। अब हमने स्पैगेटीज इसमें डाल दी है और हम इसको मिक्सअप करेंगे। उससे पहले हम डालेंगे इसमें चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून एंड 3 टेबलस्पून बर्बर के मैंने नहीं डाली थी इसलिए जो मैंने एक्स्ट्रा बाउल में थी वो पे ऐड कर दिया। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, 3 टेबलस्पून ही सोया सॉस हमने ऐड किया भर भर के। ठीक है, और सिरका भी हम यानी विनेगर भी हम इतना ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 2 एंड 3 टेबलस्पून। ये मैंने भर भर के नहीं डाले थे इसलिए जो मैंने बाउल में था वो मैंने बाद में ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि इसका टेक्स्चर कितने मज़े का हो गया। मुझे ब्लैक पेपर थोड़ा सा कम लगा था क्योंकि मैं स्पाइसी खाती हूँ तो मैंने और डाल दिया। ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर बहुत मज़े का आ गया और ये हमारा रेडी है। और ये हमने रेडी टू पैक वाली रोल पट्टी ली है, रेडीमेड जो होती है। और इस तरह से हम इसको मैदा लगा रहे हैं। ठीक है, मैदा लगाना है, बटर बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपने रोल को। तो ये हमने मैदा लगा दिया, इस तरह से हमने 4 साइड्स पर उसको लगा दिया। दरमियान में हमने मटीरियल रखी है मज़ेदार सा झटपट सा। ठीक है, मटीरियल रखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से पैक करना है जल्दी से। ठीक है, और एक साइड टर्न की और एक दूसरी साइड टर्न की, और दूसरी साइड टर्न करने के बाद हमने स्टार्ट में इसको मैदा लगाया और यूँ हमने इसको रोल कर दिया। ठीक है, और हमने ऑयल ऊपर रख दिया गर्म होने, और ये हमारा गर्म ऑयल था, हमने इसमें रोल डाले मज़ेदार से झटपट रोल। देख सकते हैं आप, इसको हमने बहुत गर्म ऑयल में नहीं डालना कि डालते साथ ही ब्राउन हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी मीडियम पे डालना है कि थोड़े से क्रिस्पी से मज़े के हो जाए। ठीक
है, और ये मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डाले थे। और ये हमारे मज़ेदार से झटपट रोल इस टाइम रेडी हो चुके हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप क्रिस्पी से यम्मी से। और ये देखें, अब आपने इसको लास्ट में ट्राई करना है और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना है। ये देखें अंदर से भी कितना यम्मी लुक दे रहा है, और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं नई रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।